नमस्कार दोस्तों, साइड ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्टॉक की बात करेंगे जो पहले इस चैनल पे मैं अपने व्यूअर्स को बताया था और सारे के सारे स्टॉक आपको मुनाफा बना के दिया है। पहले मैं ये भी डिस्कस किया था कि अपर सर्किट में अगर कोई आपको शेयर खरीदना हो तो शेयर कैसे खरीदे, उसके लिए भी मैंने बताया था। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो भी बताया था। तो फर्स्ट डे से ही मैंने अपने व्यूअर्स के लिए जो एक शुरू में जो कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल पर सारा वीडियो बना के दिया है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज के समय में बोला जाता है गिफ्ट देना है, गिफ्ट क्या देना है? अगर गिफ्ट देना ही है तो किसी फ्रेंड्स को, किसी अपने जिनको आप चाहते हैं उनको अच्छी बात बताइए, अच्छे अच्छा स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी आपने इस चैनल पे अनुभव किया, जो आपको मुनाफा हुआ, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, जो भी पेरेंट्स होते हैं पूरा लाइफ अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए वो पैसा सफिशिएंट नहीं होता। अगर वही बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने से जब अर्निंग करने लगता है तो वो ज़्यादा हैप्पी रहता है और वही उसके लिए सही भी रहता है। तो दोस्तों, मैं ये इतना बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत मुनाफा हुआ और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सारा एक से एक वीडियो लाऊँगा, एक से एक जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, जो मार्केट में क्या प्रॉफिट देने वाला है उस चीज़ को मैं लाऊँगा। आप ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। बड़ा कंपनी छोटा से एक दिन छोटा था, हैवेल्स भी कभी छोटा था, MRF भी कभी छोटा था, आइसर मोटर भी कभी 10 रुपये का हुआ करता था, मारुति सुजुकी भी कभी इतना छोटा था। तो आप हमेशा बड़े स्टॉक के पीछे भागेंगे तो ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि छोटा पेड़ ही एक दिन बड़ा पेड़ बनता है। जब ऑलरेडी जो बड़ा पेड़ बन चुका अब वो तो उतना ही में अपना जो पहले से उसका एरिया है जितना उसको फल देना है उतना देगा, लेकिन छोटे पौधों को लगाएंगे थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम ज़्यादा उसे मुनाफा पाते हैं। मैं आज फिर से बात करूँगा जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा मुनाफा स्टॉक दे सकता है। बकरंगी लिमिटेड जब हमने बात किया था उस दिन का प्राइस 20 रुपये 30 पैसा था, आज यही बकरंगी 24 रुपये पर चला गया। जब इंफीबीम 22 मार्च को मैं आपसे बात किया था उस दिन इंफीबीम का प्राइस 35 रुपये 45 पैसा था, आज उसी स्टॉक का दाम 38 रुपये 50 पैसा हो गया। मदरसन सुमी का भी मैंने डिस्कस किया था, वो भी आज अच्छा मुनाफा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोज को ज़रूर लाइक करें, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब ज़्यादा देर न करते हुए फिर से मैं स्टॉक नाम लूँगा, आप लोग ज़रूर उसको ध्यान में रखिएगा। बकरंगी लिमिटेड ये स्टॉक ई गवर्नमेंस के ऊपर काम करता है, जो भी हम लोग रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए काम करता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए, इसके साथ ही SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को भी शामिल कीजिए। ये सारे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक से एक शेयर इस चैनल पर साइड ट्रेडिंग टिप्स चैनल पर मिलेगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज फिर से मुनाफा की तरफ चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। मुका प्रोटीन्स लिमिटेड अभी थोड़ा करेक्शन में है, इसमें धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वैसे इन्वेस्टर डरते हैं जो बोलते हैं कि जब मार्केट प्रॉफिट मोड में रहेगी तभी कमाई होगा, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप हर गिरावट में पैसा बनाएंगे, ये मेरा वादा है। जब भी गिरावट हो तो ये काम करना है, यू बनाइए, यू सेफ, मतलब ऊपर से गिरावट होगी तो क्या होगी, पैसा शेयर का स्टॉक का दाम गिरते जाएगा, कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे स्टॉक को आप बाई करते जाइए और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर जब वो चढ़ना स्टार्ट होगा, जब अपर सर्किट में जाएगा तो देखिएगा आपका पैसा कितना अच्छा बन जाएगा। तो
डरने की बात नहीं है। शेयर मार्केट 3 प्रिंसिपल काम करता है। शेयर या तो मुनाफा में जाएगा या कभी थोड़ा बहुत आपको माइनस में देगा, रेड में जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं। इसलिए मैं बार बार आप लोग से बोलता हूँ कि कोई भी जो स्टॉक जब खरीदना है थोड़ा थोड़ा कर खरीदना है, एक बार में पूरा अपना कैपिटल को नहीं लगा देना है। और ये भी बात सही है कि अगर कोई स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन भी हो रहा है तो सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, वैसा भी गलती नहीं करना है। तो ये मेरा चैनल है, आप लोग बिल्कुल इस चैनल पर बने रहिए। जो भी आप लोगों को कोई भी शेयर मार्केट से आपको कठिनाइयाँ परेशानियाँ हो, जो भी आप लोगों को पूछना हो, दिल खोल के आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, जरूर मैं आप लोगों का समस्या का समाधान करने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट, आज से पहले मैं बताया था कि मेरा चैनल नया है और मेरे व्यूअर्स भी नए हैं, उनके लिए मैंने यूनिटेक लिमिटेड की बात किया था। आज देखिए यूनिटेक लिमिटेड कितना अच्छा उनको प्रॉफिट बना के दिया है। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। मार्केट में आज के समय में हर एक जगह ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, ज़्यादा शो है, वो तो सही है, बट कभी कभी छोटे जगहों पर भी बहुत अच्छा काम हो जाता है काफ़ी डिस्काउंट में, बट लोगों को भरोसा नहीं होता, जैसा कि अभी इस चैनल का है। ये चैनल बिल्कुल नया है, बट अभी आप लोगों को जो मुनाफा कमा रहे हैं उनको तो अच्छा पता चल गया होगा कि क्या इस चैनल पर क्या मिल रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस आप लोगों को मैं हमेशा अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को दूंगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।